हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस कर्नर। आज आम पढ़ा चैप्टर नंबर 13 रिलीजन इन इंडिया। तो आमर जदि टाइम टेबुल देखा, आम ठीक टाइम टेबुल अच्छे, तो आम चैप्टर नंबर 13 रिलीजन इन इंडिया आम पढ़ा। तो रिलीजन इन इंडिया आम सेपरेटली पढ़ा बुद्धिज्म और जैनिज्म को चैप्टर नंबर 14 रे। तो ताकु छाड़ी आज जो रिलीजन अच्छे आम पढ़ा। तो 13 नंबर चैप्टर कौन कौन अच्छी एवं आम देखा। तो 13 नंबर चैप्टर कौन कौन अच्छी देख, इंट्रोडक्शन, तापरे हिंदुइज्म, तापरे श्रमण स्कूल, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, जोरास्ट्रियानिज्म, जुदाइज्म और अदर प्रोमिनेंट रिलीजन इन इंडिया। तापरे आम बुद्धिज्म जैनिज्म सेपरेटली पढ़ा। ओके, तो आम पढ़ा रिलीजन इन। तो फास्ट आम देखा इंट्रोडक्शन। तो आम जो इंट्रोडक्शन दूचे से आम फास्ट आम देखा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आम कौन पढ़ा ना, द इंडियन सब कंटिनेंट हाज ए वाइड रेंज ऑफ रिलीजियस रिलीजियंस दैट डिफाइन द मोरालिटी एंड एथिक्स ऑफ द पीपल टू फॉलो इट। सेवरल कम्युनिटी लाइव टुगेदर एंड वी हैव ए रेंज ऑफ रिलीजियन। आज स्वामी विवेकानंद सेड व्हाइल एड्रेसिंग एन ऑडियंस एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस इन चिकागो इन 1893। तो ये जो फ्रेज ताकू तुम्हें मन रखा पड़ो, याकु जदि मन रखिकी तुम एसे किंबा सेही टाइप रो टॉपिक रे जेतबे यूटिलाइज करिवो तुम्हारो मार्क बहुत बढ़िवो, माने मार्क एक्स्ट्रा मार्क तुम्हें पाइबो। तो कौन लिखा है देखो, विवेकानंद जो चिकागोर जो 1893 रे हमर चिकागोर धर्म सम्मेलन हेतला ताकु हम कोन कहू वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। तो विश्व धर्म सम्मेलन रे से भाषण देले कौन ना, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन व्हिच हैज टॉट द वर्ल्ड टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेंस टॉलरेशन बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन आर ट्रू। तो या बेस कर बहुत सारा जिनस सपोज तुम मेन आंसर राइटिंग भी तुम या कनक्लूड कर पार। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी जो अच्छी द स्पिरिचुअलिटी ऑफ इच रिलीजन इज वेस्टेड इन द सैक्रेड बुक्स। तो सैक्रेड बुक आम जमी कहीपर मुसलिम मान कुरान, आम हिंदू मान जो गीता भागवत गीता जो कहे। तो ये सैक्रेड बुक रे आमर स्पिरिचुअलिटी रही ही अच्छी। आउ फिजिकल स्पेसेस वेयर पीपल गेट टुगेदर टू प्रे, जो थे आमर प्रेयर होची मंदिर कि मस्जिद। रिलीजन इज ए वेरी पावरफुल टूल इन द हैंड ऑफ पावरफुल पीपल एंड दे यूज इट टू ब्रेक एंड मेक कम्युनल टाई। इंडिया हैज हैड मोर ईयर ऑफ रिलीजियस पीस दैन द इंस्टेंसेस ऑफ कम्युनल टेंशन। तो इंडिया जेहेतु बहुत सारा रिलीजन अच्छा, जदियों से बहुत हारमोनी रही है, आम कम्युनल टेंशन रोच। तो बेसिकली आम जो देखा हिंदुइज्म आउ कौन मुसलिम तक जो कम्युनल हारमोनी ठीक से रही बहुत टाइम रे, तो ताकु भी तुम क्लासिक स्पेसीफाई कर पार। तो तुम्हें जमी फास्ट सब टॉपिक रे जमी तुम माइंड मैप करने तुमको कही, तो माइंड मैप कौन कर फास्ट तुम माइंड मैप एठू स्टार्ट कर। सो मेजर रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया आर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, जोरास्ट्रियानिज्म, जुदाइज्म। तो सब रिलीजन रो ना एटलिस्ट तुम आगु शुणीच, तो सेमती बुझे किसी प्रोब्लेम हेनी। तो मेजर रिलीजन आम देखा हिंदुइज्म को आम आगे डिस्कस करवा। सो हिंदुइज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजन इन दिस कंट्री बट हैज ए वैरायटी ऑफ कॉल्ड एंड सेक्ट विद इन इट्स परव्यू। सो हिंदुइज्म इज ए वर्ड दैट इज ड्रॉन फ्रॉम हिंदू व्हिच वाज मीन्ट एज ए टर्म ऑफ कन्नड पीपल हु लाइव्ड इन द जियोग्राफिकल एरिया अराउंड द रिवर इंडस। तो बाहर लोक आमको जितेबले इंडस वैली सिविलाइजेशन रे जो मैंने रोते से एरिया रे जेहेतु रोते से इंडस रिवर टू नेम कौन है कन्वर्ट है हिंदू को कन्वर्ट है। तो एट द मोस्ट बेसिक लेवल हिंदुइज्म बोरोज इट्स बेसिक प्रिंसिपल फ्रॉम प्री वेदिक एंड वेदिक रिलीजियस फिलोसॉफी। तो सही टाइम रे हमें वैदिक रिलीजन थिला हमें जानिचे। तो एक हिंदू ट्रेडिशन जो गोटे अच्छी आमर ताकु यदि हमें देखिबा सेथरे आमर कौन होची ना काम काम बोली गोटे अच्छी काम माने कौन ना प्लेजर एंड अर्थ प्लेजर आउ अर्थ बा काम आउ अर्थ ए दुटा है गोल माने ए दुटा है टार्गेट टू स्ट्राइव फॉर बट आफ्टर थ्राइविंग आफ्टर अचीविंग दिस वन हैज टू लुक टुवर्ड्स अटेनिंग धर्म। तो ये जो कम आग पाइबर अर्थ पाइला पुणी आम धर्म आम जमी मोरालीटी आम पढ़ी थो जो मानते पब्लिक आडमिनिस्ट्रेसन थी तो पब्लिक आडमिनिस्ट्रेसन सेमती जो आम सोशियोलॉजिकल नीड जो अच्छी तो से जो
लीड को बेस करके जमी छोट रू आम बेसिक नीड को फुलफिल होगा पर जमी ऊपर को जाऊे मास्लो जो हायरार्कियल नीड जोटा सेमती इतने आम काम फास्ट होपर अर्थ तापर जाए अटेनिंग धर्म बा राइटियसनेस जो आम कहे अचीव करने समस्त ट्राए करते कौथे हिंदू ट्राडिशन तो उपनिषद पुणी कौन कहे ना इट इज स्पेसीफाइड दैट देर आर फोर स्टेजेस इन लाइफ एट समस्त जान ब्रह्मचार्य ब्रह्मचारी जो लिखाई स्टूडेंट फेज जोटा हु देन ग्राजुएट इन टू गृहस्थ गृहस्थ जोटा गृहस्थ मानने घरे रोटा सो आफ्टर आन एज ही बिकम ए भानप्रस्थ पर कौन हम ना भानप्रस्थ हो हरमिट हो तापर लास्ट स्टेज ताको कौन कह सन्यासी आसेटिक सो वन्स ए पर्सन बिकम एन आसेटिक द नेक्स्ट फेज इज टू स्ट्राइव फॉर द अचीवमेंट ऑफ मोक्ष और साल्वेशन तो सन्यासी जितेबाला हेबो तापर जाइकी से मोक्ष लाभ कर पारिबो बोली एथरे हमरो उपनिषद कहुछ तापर हमरो जदि देखिबा चारिटा सेक्ट जो थिला हिंदुइज्म रे वैष्णविज्म शैविज्म शक्तिज्म आउ स्मार्टिज्म तो वैष्णविज्म जदि आमे देखिबा फॉलोअर्स कंसीडर विष्णु एज द सुप्रीम लॉर्ड ये जो विष्णु वैष्णविज्म को जे फॉलो करूची विष्णु को सुप्रीम गॉड हिसाब से मानुचंती ये जो ट्रेडिशन अच्छी वैष्णविज्म ट्रेडिशन इट इज इट हैज ट्रेसेबल रूट्स टू द फर्स्ट मिलेनियम बीसी एज भागवतिज्म एल्सो कॉल्ड कृष्णइज्म ताको आमे भागवतिज्म भी कहे आउ कृष्णइज्म भी कहे बट एटा केबे स्टार्ट हेतला ना फर्स्ट मिलेनियम बीसी द विष्णु वा ट्रेडिशन हैज मेनी संप्रदाय और सब स्कूल तो वैष्णविज्म जो अच्छी जो एसोसिएटेड जो ट्रेडिशन जो कहे आम वैष्णव ट्रेडिशन तार जो बहुत सारा सब स्कूल बा संप्रदाय रोचे सेमती देख शैविज्म शैविज्म मान शिव को जी सुप्रीम लॉर्ड मानुची तो शैविज्म आम आसला ना सेकेंड मिलेनियम बीसी तो सेकेंड मिलेनियम बीसी मैंने कौन ना शैविज्म आगु आसला ना ना बिफोर वैष्णविज्म जेहेतु बीसी लिखाई इन द फॉर्म ऑफ वैदिक डेटी रुद्र तो रुद्र जो आम कहते वैदिक गॉड को रुद्र कहते तो से रुद्रकर ना कौन ना शिव एवं कन्वर्ट हो तापरे शक्तिजिम इट इज कन्सीडर इट कन्सीडर फैमिनाइन एंड देवी और गडेसेस आज सुप्रीम शक्तिजिम जी फॉलो करुच्ची से कौन कहे ना मोर जो अधिष्ठात्री देवी अच्छा सी है सुप्रीम तो पर्टिकुलरली जो आम फॉर्म टाक कहे इट इज नोन फॉर इट्स वेरियस सब ट्रेडिशन ऑफ तंत्र तो तंत्रीजिम को आम शक्तिजिम कहीपर तापर आउ दुटा रहा स्मार्टिज्म तो स्मार्ट स्मार्टिज्म कहे स्मार्टिज्म मैंने कौन इट इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ पुराण पुराण को बेस करके जो जिनस गुड़ा अच्छी आम फॉलो करवाको स्मार्टिज्म कह सो बेसिकली क्या बिलव करती ना डोमेस्टिक अर्शिप ऑफ फाइव श्राइन विथ फाइव डेटी फाइव श्राइन विथ फाइव डेटी सो ऑल ट्रीटेड एज इक्वल शिव शक्ति गणेश विष्णु सूर्य सो स्मार्शियन एक्सेप्ट टू कन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म नेमली सुगुण ब्राह्मण द ब्राह्मण विथ आट्रिब्यूट एंड निगुण ब्राह्मण द ब्राह्मण विदाउट आट्रिब्यूट ओके तो अंडर दिस फोर मेजर ट्रेडिशन देर आर वेरियस सब्जेक्ट और संप्रदाय ये जो मेजर ट्रेडिशन जो रोचे चार्टार चार्टा ट्रेडिशन कौन वैष्णविज्म शैविज्म शक्तिज्म स्मार्टिज्म तो ये जो चार्टा ट्रेडिशन अंडर आमर कौन होता भितर भी वेरियस सब्जेक्ट रोचे आम संप्रदाय कहे सो दिज सेक्ट आर टीचिंग ट्रेडिशन विथ ऑटोनमस प्रैक्टिसेस एंड मोनास्टिक सेंटर विथ ए गुरु लिनेज एंड विथ द आइडिया डेवलप्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय ईच सक्सेसिव जेनरेशन ऑफ द फॉलोअर सो ये जो आम संप्रदाय गुड़ा जी आम देखा से संप्रदाय कि पढ़ा मेजर संप्रदाय जो आम देखा देख फास्ट लिखाई भरकारी पंथ और भरकारी संप्रदाय फॉलोअर्स इन दिस कम्युनिटी आर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु इन दिस मैनिफेस्टेशन आज विधवा एंड द अर्शिप इज सेंटर्ड ऑन द विधवा टेम्पल एट पांधरपुर इन महाराष्ट्र द सेक्ट स्ट्रिक्टली अवॉइड अल्कोहल एंड टोबाको देयर एनुअल पिलग्रिमेज वेरी अंडरटेक इंटरेस्टिंग इवेंट्स सो ये जो पर्टिकुलर सब डिटेल या तुम मन रखा दरकार नहीं बट ये देखिए देख लिखाई कौन जह्नेश्वर नामदेव एकानाथ तुकाराम तो यहाँ कौट महाराष्ट्र सहित आसोसीएट मैंने तेनाली तुमको मन रखा पड़ो आर टाइम लाइन मन रख सिंक्रोनाइज कर 1275 देख यटा के नामदेव के 1270 तेणु 1270 आग तापर जह्नेश्वर तापर एकानाथ तापर तुकाराम ओके तो एमती करके मन रख देख राम नंदी संप्रदाय तो राम नंदी संप्रदाय जी आम देखा दिस इज द लार्जेस्ट मोनास्टिक ग्रुप विथ हिंदुइज्म एंड दिज वैष्णव मंक आर नोन एज रामंदीज और विरागीज और बैरागीज तो से पर्टिकुलरली राम नंदी आम कौन कहे ना से राम को पूजा करती से आम कह राम नंदी
ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଏଇଟା କ'ଣ କାହା ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ବେଶୀ ନା ବେଶୀ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହିଲା ମାନେ ଲର୍ଡ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ତାକୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କ୍ରିଏଟର। ତ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଡେଇଟି ସହିତ ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ମନେ ରଖିବ ବ୍ରହ୍ମା ନୁହଁ ଲର୍ଡ ବିଷ୍ଣୁକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ, ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ନା ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ତ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ତମେ ରିଲିଜନରେ ପଢ଼ିଥିବ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଆମର ଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା ପର୍ସନାଲିଟି ଥିଲେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲିଟି ଭିତରେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ। ତ ଗୁଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବିଜିମ୍ ପ୍ରମୋଟେଡ୍ ବାଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏଣ୍ଡ ଇସ୍କନ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତ ଇସ୍କନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ଯେଉଁ ଏବେ ବି ଆମେ ତ ନୟାପଲ୍ଲୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ଯିବ, ଇସ୍କନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଇସ୍କନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି। ତ ଇସ୍କନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ଯେଉଁ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛି ସେଟା କିଏ, କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍? ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ, ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ପୁସ୍ତି ମାର୍ଗ, ପୁସ୍ତି ମାର୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏଇଟା ବି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ସେକ୍ଟ। ତାକୁ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ନା ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କେବେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଭକ୍ତି ମୋମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଥିଲେ। ଦେୟାର ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ତ ଇ ଡିଭୋସନ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପିଓର ଲଭ୍ ଫର୍ ଲର୍ଡ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଆର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଡୁ ସେବା ଟୁ ଦେୟାର ପର୍ସନାଲ୍ ଆଇଡଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା। ତାପରେ ଦେଖ ନିମ୍ବ, ନିମ୍ବର୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏଲସୋ ନନାଜ ହଂସ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏଣ୍ଡ କୁମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଦ ଫଲୋଅର୍ ଅର୍ସିପ୍ ରାଧା ଏଣ୍ଡ କ୍ରିଷ୍ଣା ରେଡ୍ଡି। ତ ରାଧା କ୍ରିଷ୍ଣା ରେଡ୍ଡିକୁ ଯଦି ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ନିମ୍ବର୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା କୁମାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତାପରେ ଦେଖ ସୈବିଜି ମଣ୍ଡରେ ବହୁତ ସାରା ସେକ୍ଟ ଅଛି। ତ ତମେ ଆମେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଆସ। ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନକୁ ନେବି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ କ'ଣ କ'ଣ, ବୈଷ୍ଣବିଜିମ୍ ସୈବିଜିମ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ୁଛେ, ତାକୁ ତମେ ସବ୍ ହେଡିଂ କରିକି ଲେଖିବ। ତ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ଆମେ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ଅଣ୍ଡରେ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବିଜିମ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ତ ଏବେ ଆମେ ସୈବିଜିମ୍ ପଢ଼ିବା। ସୈବିଜିମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ନାଥପନ୍ଥୀ, ଲିଙ୍ଗାୟାଷ୍ଟିମ, ଦଶନାମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆଗହରିଶ, ସିଦ୍ଧାର ଅର୍ ସିଦ୍ଧ। ତାପରେ ହିନ୍ଦୁ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛି, ଶ୍ରାଉଟିଜିମ୍ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ଦେଇଥିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ଜାଣିବ ତମେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରମଣ ସ୍କୁଲ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କାହାର ନା, ସୈବିଜିମ୍ର ଯେଉଁ ସେକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏ ଯେଉଁ ନାଥପନ୍ଥୀ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ନାଁରେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା, ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେଉଁଟା, ଏଇଟା ଦେ ଆଡ଼ହର୍ ଟୁ ଦ ଟିଚିଂ ଅଫ୍ ଗୋରଖନାଥ ଏଣ୍ଡ ମତ୍ସ୍ୟନ୍ଦ୍ରନାଥ ଏଣ୍ଡ ଅର୍ସିପ୍ ଆଦିନାଥ, ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଶିବ। ସୋ ଦେ ୟୁଜ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଫ୍ ହାତ ଯୋଗ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ୱାନ୍ ବଡି ଇନ୍ ଟୁ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଉକେଣ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ୱିଥ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ରିଏଲିଟି। ଦ ମଙ୍କ୍ ନେଭର୍ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଫର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱେଣ୍ଡରର୍, ଦେ ଆର୍ ଲନ୍ କ୍ଲଥ୍ ଏଣ୍ଡ ଧୋତିଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଏଲ୍ସୋ କଭର୍ ଦେମ୍ ସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ଆସେସ୍, ସୋ ଟାଇ ଅପ୍ ଦେୟାର୍ ହେୟାର୍ ଇନ୍ ଡେଡ୍ ରକ୍ ଡେଡ୍ ଲକ୍ ଏଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଦେଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ୱାକିଂ ଦେ କିପ୍ ଏ ସାକ୍ରିଡ୍ ଫାୟାର୍ କଲ୍ଡ ଧୁନି। ତ ବେସିକ୍ ମନେ ରଖିବା କେଉଁଟା ନା, ଟିଚିଂ ଅଫ୍ ଗୋରଖନାଥ ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟନ୍ଦ୍ରନାଥକୁ ଆମେ ଯଦି ଟିଚିଂ, ତାର ଟିଚିଂକୁ ଯଦି ଫଲୋ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ନାଥପନ୍ଥୀ କହୁଛେ। ତାପରେ ଲିଙ୍ଗାୟାଷ୍ଟିମ୍ ଏଇଟା ବି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମନେ ରଖିବା ଏଲ୍ସୋ ନନାଜ ଭୀର ସୈବିଜିମ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ସୈବିଜ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ହୁଇଚ୍ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ମନୋଥିଜିମ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଅର୍ସିପ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଅନ୍ ଲର୍ଡ ଶିବ। ମାନେ ଖାଲି ଆମେ ଲିଙ୍ଗ, ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆମେ ପୂଜା କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଲିଙ୍ଗାୟାଷ୍ଟିମ୍ କହିବା। ତାପରେ ଦଶନାମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଦଶୟାନୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଇଥ୍ ଆଦ୍ଭିତ ବେଦାନ୍ତ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଆର୍ ଡିସିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କେଉଁଠି, ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ କେଉଁଠି, ଭକ୍ତି ମୋମେଣ୍ଟରେ। ତ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ, ଦାସନାମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ, ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଟ୍ରାଡିସନ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପାର୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଗହରି, ଦେ ଆର୍ ଡିଭୋଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଶିବ ମାନିଫେଷ୍ଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଭୈରବ ଏଣ୍ଡ ମନୋଇଷ୍ଟ ହୁ ସିକ୍ ସାଲ୍ଭେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସାଇକେଲ୍ ଅଫ୍ ରି ଇନ୍କାର୍ନେସନ୍ ଥ୍ରୁ ସାଧନା, ଦ କ୍ରିମେସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ବଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର୍ ଲାଇଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ସେନ୍ସୁଆଲ୍ ପ୍ଲେଜର୍ ଆଙ୍ଗର୍ ଗ୍ରିଡ୍ ଅବେସନ୍ ଫିୟର୍ ଏଣ୍ଡ ହାଟେଡ୍, ଦେ ଇଣ୍ଡଲ୍ଜ ଇନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ତମାସିକ୍ ରିଚୁଆଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍। ତ ଆଗହରି ଜାଣିଲ, ଏଇସବୁ ଯେତେ ନେମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆଗ ମନେ ରଖିବ, ତାପରେ ତମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଟେବୁଲ୍ ଫଲୋରେ କରିପାରିବ ଏଇସବୁ, ନହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ କହିଲି ତାକୁ ବି ସେଇ ଫଲୋରେ ସେଇ ଥ୍ରୋରେ କରିପାରିବ। ସିଦ୍ଧର ସିଦ୍ଧ ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ଼। ତ ଦେ ଆଟେନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୋ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ସିକ୍ରେଟ୍
Rasayana to perfect their bodies in order to able the sustained prolonged meditation along with a form of pranayam which considerably reduces the number of breath they take. तो अदर हिंदू ट्रेडिशन भितर जदि श्राउटी जिम देखिबा श्राउटी जिम एटा गोटे कौन ना इट इज अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स नामदुरी ब्राह्मीन ऑफ केरला केरला रो केरला रे माने देखा जांती को माने श्राउटी जिम ता श्राउटी जिम रो आमे कोडी पाइबा प्रूफ सेठी पाइबा कोडी केरला रे सो दे फॉलो द पूर्व मीमांसा स्कूल फिलोसॉफी कंट्रास्ट टू वेदांत फॉलोड बाय अदर ब्राह्मीन सो दे प्लेस इंपोर्टेंट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक सैक्रिफाइस The Nambudiri Brahmin are famous for their preservation of ancient Samayagam, Agnishyana ritual which have vanished than other parts of India. तापर देखिवा in the medieval period रे कौन हला ना Hinduism कौन हला ना convert हेला भक्ति moment रे convert हेला कोठी Northern India where saint translated the Sanskrit text into vernacular languages and took the message of bhakti or devotion to gods to the masses. से माने कौन कले ना जो सांस्कृत टेक्स्ट थला समस्त ताकु बुझी पार नथले तो सांस्कृत टेक्स्ट को से माने वर्नाकुलर बा लोकल लैंग्वेज को कन्वर्ट कला परे से माने कोन कले ना भक्ति बा डिवोशन टू गॉड जो गॉड को पाखरे हमर जो डिवोशन रहू छी ताकु ताकु नै की जहा भी जिंस लेखु थले से माने ताकु सेथरे रिप्रेजेंट कर थले कोथरे वर्नाकुलर लैंग्वेज सेति पई जो मास जो थिला मास जो हमर टोटल पॉपुलेशन उपरे सेटा बा सोसाइटी उपरे ताकर इफेक्ट आसीला सो इन द साउथ इंडिया वैष्णवी मूवमेंट वाज वेरी स्ट्रांग And it regained till the end of 13th century. So these saints are called Alvar. Vaishnavite saint मानो को South India रे कौन को आ जाए ना Alvar को आ जाए. तो Shaivite saint मानो को कहाँ कौन को आ जाए Nayanaro को आ जाए. इतनी खाली मान रखी हो. तब रे in the modern period there was a need to change the highly ritualistic nature of Hinduism. So many problem like domination of Brahmana, Sati, child marriage etc had crept into Hinduism and caste system led to large discrimination after the coming of British and Western ideal of equality several thinkers propelled to change the situation and they started movement to curb these social evils so important one being Brahma Samaj Arya Samaj etc to modern period we can say Brahma Samaj Arya Samaj manaku ame nei pariba तापर देखो श्रमण स्कूल तो श्रमण स्कूल आमे जे देखिबा श्रमण स्कूल कहा सहित एसोसिएटेड इथि आमे देखिबा द वर्ड श्रमण मींस श्रमण माने कोन ना वन हु परफॉर्म द एक्ट ऑफ ऑस्टेरिटी एंड असेट ऑस्टेरिटी औ असेटिक जो एक्ट अछि ताकु जेतेले आमे परफॉर्म करू छे ताकु आमे श्रमण कहू छे इट रेफर टू सेवरल इंडियन रिलीजियस मूवमेंट पैरेलल टू वैदिक रिजन वेरियस श्रमण स्कूल इंक्लूड जैनिज्म बुद्धिज्म अजीविका अंजन चार्वाक ओके ऑल फाइव मेंशन अबव बिलोंग टू द नास्तिक और हेटरोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसॉफी तापर ए जो श्रमण स्कूल हला कोन पर्टिकुलरली हमर हेटरोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसॉफी अंडर रे जाउच तापर अजीविका अजीविका में देखिबा के फाउंड करथिले ना मोकाली घोषाल इन 5th सेंचुरी बीसी माने से जो हमर बुद्धिज्म पर पर माने नेक्स्ट टाइम रे नेक्स्ट टू बुद्धिज्म ए फट्टा ए जो स्कूल डेवलप हेतला सो ए जो स्कूल अछि पर्टिकुलरली हमें देखिबा डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट डिटरमिनिज्म को बेस करी की ए स्कूल अछि तो इट बिलीव दैट देयर इज नो फ्री विल एंड व्हाटएवर हैज हैपेंड इज हैपनिंग और विल हैपन इज एंटायरली प्री ऑर्डेंड और प्री डिसाइडेड एंड इज बेस्ड ऑन द कॉस्मिक प्रिंसिपल हेंस देयर वाज नो यूज ऑफ कर्म तो कर्म को एथरे विश्वास करूनी की अजीविका एथरे कोन करछि ना जहां भाग्यर थिबो हो तो टोटल डॉक्ट्रिन ऑफ डिटरमिनिज्म उपरे से फोकस करछि बहुत इंपोर्टेंट तुमको क्वेश्चन दे तळ पचारिबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन बा which of the following school associated with doctrine of absolute determinism the answer is ajivika it is based on theory of atom and believe that everything is composed of atom and the various quality emerge from the aggregate of atom which is predetermined then ajivika led a simple ascetic life without clothes and any material possession so mane kichhi cloth pinanti nahi and they opposed buddhism and jainism and were atheist so mane kaha ko bhi अथेइस्ट माने से माने ईश्वर को विश्वास करंती नाही से माने बुद्धिज्म को जैनिज्म को भी अपोज करंती दे डिड नॉट बिलीव इन कर्म डॉक्ट्रिन अनलाइक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म दे कंसीडर कर्म एज ए फैलेसी अरे कौन कर्म रो समति किछ सिग्निफिकेंस नाही दे आल्सो रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेद लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हाउएवर दे बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इन एवरी लिविंग बीइंग लाइक जैनिज्म बट दे बिलीव एग्जिस्टेंस ऑफ सोल in material form
फैराज जर्नलिज्म ड्रॉप आउट फॉर्मलेस सन। तापर बिंदुसार वाज वन ऑफ हिज फॉलोअर। तापर श्रावस्ती बा सवस्ती इन उत्तर प्रदेश इज बिलीव टू बी द सेंटर ऑफ अजीविका। अशोक सेवेन पिलर एडिक्ट मेंशन अबाउट अजीविका। द टेक्स्ट ऑफ अजीविका सेक्ट इज नॉन एग्जिस्टिंग एट प्रेजेंट। दिस सेक्ट हैज ऑल्सो लॉस्ट इट्स ग्लैमर इन द प्रेजेंट इरा। तापर देखिबा अंजाना। द अंजाना सेक्ट बिलीव्ड इन रेडिकल स्केप्टिसिज्म। द स्कूल बिलीव दैट इट इज इम्पॉसिबल टू अटेन नॉलेज अबाउट नेचर। इवेन इफ इट इज पॉसिबल इट इज यूजलेस फॉर अटेनिंग सालवेशन। तेणु सालवेशन किसी नवा दरकार नहीं से कहते। दिस स्कूल वाज ए मेजर राइवल ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सो दे स्पेशलाइज्ड द रिफ्यूटेशन एंड वेयर कन्सिडर्ड इग्नोरांट। दे बिलीव दैट इग्नोरांस इज बेस्ट। तापर आम इस्लाम को पढ़िया। इस्लाम टिके बड़ अच्छी इस्लाम भी। तापर क्रिश्चियनिटी। तापर आम जो देखते सिखिज्म। तापर जोरास्ट्रियनिज्म एतिकी पढ़ले आमर। तापर लास्ट है जुडाइज्म। ओके तो या उपरे टिके टिके आम डिस्कस करिवा। फास्ट आम देखिवा फास्ट आम देखले हिंदुइज्म। तापर एबे आम देखिवा कौन इस्लाम। तो इस्लाम जितेबले आम डिस्कस करूचे इस्लाम जो ओरिजिनेटेड हिसी तो आम जानवा केबे ओरिजिनेट हिसी। बट इस्लाम माने कौन इस्लाम रो जो वर्ड अछि इस्लाम माने कौन। आम जेमति हिंदू हिंदू जो पढ़ले इंडस रिवर वैली साइड रे जो माने रहउतले ताको आम इंडस रु हिंदूस कहले। बट इस्लाम माने कौन जे आम इस्लाम कहचे ना। इस्लाम माने कौन ना सबमिशन टू गॉड। द वर्ड इस्लाम कनोट सबमिशन टू गॉड। तो ये जो इस्लाम रिलीजन अच्छे से कौटू ओरिजिनेट है ना अरबियन पेनिनसुला। तो अरबियन पेनिनसुला रे को कंट्री अच्छी तुम्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर को कंट्री रही। अरबियन पेनिनसुला जो आम कहे को साउदी आरब जमी अच्छी आउ को कंट्री सब अरबियन पेनिनसुला अच्छी तुम्हें मेंशन कर। तो ये जो अरबियन पेनिनसुला आम सेवेन सेंचुरी एडी मैंने देख हिंदुइज्म के स्टार्ट होता ना बहुत आगुरी वैदिक रिलीजन रु तार ओरिजिन अच्छी किंतु इस्लाम टिके नुआ केते सेवेन सेंचुरी एडी आउ एडा केमती स्प्रेड कला ऑल ओवर वर्ल्ड थ्रू ए लार्ज एम्पायर। दोज हु सबमिट टू गॉड एंड फॉलो द प्रीचिंग प्रॉफेट मोहम्मद आर कॉल्ड मुस्लिम। जो माने गॉड को सबमिट करंती बा गॉड को मानंती आउ से माने प्रॉफेट मोहम्मद को प्रीच करंती ताकु आमे मुस्लिम कहूचे। सो प्रॉफेट मोहम्मद जो आमे कहूचे प्रॉफेट मोहम्मद किए ना ही वाज ए लास्ट इन द लॉन्ग लाइन्स ऑफ मेसेंजर सेंट बाय गॉड लाइक अब्राहम मोसेस एटसेट्रा। तो गॉड करो किसी मेसेंजर था मेसेंजर भितर जड़े प्रॉफेट मोहम्मद। ओके सो बोथ द क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम शेयर अब्राहम आज ए कॉमन एंसेस्टर। देन इट इज सेड दैट एंजेल रिवील्ड द मेसेज ऑफ गॉड टू प्रॉफेट मोहम्मद ऑन द माउंटेन। ही रिसाइटेड दिस इंजंक्शन टू हिज फॉलोअर। Initially, he faced many problems and had to leave his home in Mecca and migrate to Medina. So, after a successful cough, he managed to come back to Mecca. This travel back to Mecca is the holy route that became the Hajj. Hajj means holy pilgrim. And every Muslim has to undertake this pilgrimage once in this lifetime. So, Muslim means what do they do? Their lifetime is almost a try. हज को जीवापाई बा हज यात्रा रे जीवापाई सेमती गवर्नमेंट रो भी किछ गोटे स्कीम अछि हज को नै कि गवर्नमेंट फंडिंग कराए इंडिया गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। सो आफ्टर हिज डेथ कहारो डेथ डेथ कहारो हला ना मोहम्मद करो डेथ। जो आफ्टर हिज डेथ द सेइंग और डे टू डे टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद वर कंपाइल्ड बाय हिज फॉलोअर एंड इज कॉल्ड हदीस हदीथ विद व्हिच इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम। The holy book of Quran was compiled before prophet's death and it was verified twice by him before being transformed into book form after his death. This book and sunnah form is the basic for Islamic law or Sharia. In India, there are four major school of thought of law in Islam: Hanafi school, Safi school, Maliki school and Hanbali school. The basic tenet, but basic objective, but basic aim, but basic foundation of Islam are that there is only one Allah, manifestation of God, who sent his messenger to help the people on the earth, and Prophet Muhammad was a last prophet. They also believe in the day of judgment where the merit and bad deed will be judged
and one would be sent to the hell or heaven accordingly. The Muslim should offer namaz or prayer 5 times a day. These prayer on Friday are supposed to be in the community mosque and it is called Jumma namaz. So, mane 5 thar minimum prayer kariwa dorkar. The original Muslim mane 5 thar namaz padanti. Okay, offer namaz offer karanti. Au Friday jo thae tankaro sethire amar kon community heki mane misiki se mane namaz padanti. तो एटा कौन है बेसिकली इट इज नेसेसरी फॉर द मुस्लिम टू कीप लास्ट फॉर फास्ट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान तो रमजान मंथ रे मुस्लिम माने से माने सनराइज टू सनसेट हेला जाए फास्ट करंती व्हिच एंड विथ ईद सेलिब्रेशन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ सो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट वन हैज टू गिव ए पोर्शन ऑफ देयर अर्निंग टू द नीडी एंड पोर एंड इज कॉल्ड जकात और चैरिटी तो चैरिटी को से माने दान करंती So although there were various sect in Islam, two major subdivision are called Shia and Sunni. So Shia mane kon na those who are partisans of Ali and Sunni those who follow the Sunnah. The difference between two is based on who should be the successor of Prophet Muhammad. So the Sunnis believe that it should be from those close to Prophet and who were his initial follower like Abu Bakr. On the contrary to Shia's claim that Prophet's successor should be from his own blood and supported the claim of Ali, his son-in-law. तनु Ali है वो ना Abu Bakr है वो ताकु ताँ भित्रे हमारो confusion रही कि दीटा Islam रो sect division है यही चीज़ बोटे कौन Shia आउ Sunni. तापरे although the majority of Muslim in India are Sunni. The presence of Shia is made known on Muharram when they renard the gruesome death of Imam Hussein, the younger son of Ali. There were some moments in history when the religion went through changes and movement which affected the shape of the Islam in Indian subcontinent. Some of the major moments are Faraji movement, early 19th century, Haji Saritwala, began the movement, prominent leader were Niam Mia and Dudumia. से मैंने कॉल कर थे ना ही कॉल्ड फॉर द कमिंग बैक ऑफ प्योर इस्लाम एंड ऑल मुस्लिम टू परफॉर्म द ऑब्लिगेटरी ड्यूटी ऑफ इस्लाम कॉल्ड फरेज सो इट प्रोफाउंड टू गिव अप ऑन इस्लामिक पार्टीज एंड एक्ट अपॉन देयर ड्यूटीज एज मुस्लिम इट ऑल्सो प्रोटेक्टेड राइट्स ऑफ टेनेंट तापरे अहमदिया मूवमेंट को किए स्टार्ट करथले बा फाउंडर किए मिर्जा गुलाम अहमद हु कॉल्ड हिमसेल्फ ए महदी बा गाइड So it started in Punjab to create a community of people who should uphold the true Islamic value. Tapre Tariq e Mohammadiya movement, 19th century. Syed Ahmad Bareilly. It was essentially an armed movement against British to establish a proper Islamic state. Then Aligarh movement. Aligarh movement founder kiye Sir Syed Ahmad Khan. Ye kaun karthile na modern education propound karthile for Muslim. Which should allow them to work with the British and in turn Muslim will also prosper. So it is like on now both are a moment, cherry punched a moment, like our founder the Kilo region, Tankor emergence region the Kilo. Tebe Ebe I mean the Kiva Christianity. The Christianity I mean the Kila Hinduism tapre, Muslim ba Islam the Kila tapre, Christianity kuasiva. The Christianity with the Kiva, both are a body of a Jin Sochi, interesting Jin Sochi Christianity, Takuvi Ameji, whatever. तो फर्स्ट देखो क्रिश्चियनिटी तो लार्जेस्ट रिलीजन जदि हम कहबा ताकु क्रिश्चियनिटी ओके क्रिश्चियनिटी इज द लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड सो क्रिश्चियनिटी हैज अ लॉट ऑफ फॉलोअर इन इंडिया इट वाज फाउंडेड बाय जीसस क्राइस्ट इन जेरुसलम मन रखिबो कोठि फाउंड हितला ना जेरुसलम रे एंड आफ्टर हिज प्रोसेस प्रोजिगुशन आमे जानी जे जीसु क्राइस्ट को प्रोजिक्यूट करा जायतला एंड रिसर्गेशन आफ्टर 3 डेज इट स्टार्टेड टू गेट मोर एंड मोर फॉलोअर आफ्टर सम टाइम इट बिकेम सम स्टेट रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर बिकेम द स्टेट रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर एंड स्टार्टेड स्प्रेडिंग रैपिडली द बेसिस ऑफ रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी बिकेम वैटिकन सिटी सो आफ्टर सम टाइम देयर वर सेवरल रिफॉर्म मूवमेंट इन द क्रिश्चियनिटी एंड सेक्ट लाइक Protestants, Methodists, etc. became widespread. The basic philosophy of Christianity is the existence of one God who created the universe. So God sent messenger
और मसीहा वेर नेसेसरी टू हेल्प हिज क्रिएशन। तो जेतेबेले भगवान चाहती जेतेबेले दरकार हुए सेतेबेले मसीहा को बा मेसेंजर को पठानती। आमे जेमती आम हिंदू कल्चर अच्छी कौन जदा जदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवती जो अच्छी श्लोक सही टाइप रो तुम या कनसीडर करपर। तो जीसस वाज ए मेसेंजर हु वांटेड टू हेल्प पीपल टू फाइंड गॉड एंड बिकेम देयर सेवियर। दे अल्सो बिलीव दैट आफ्टर जीसू लेफ्ट अर्थ गॉड्स प्रेजेंस वाज रिटेन्ड ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ होली घोस्ट और होली स्पिरिट। सो इन फैक्ट क्रिश्चियंस वर्शिप द होली ट्रिनिटी द फादर गॉड द सन जीसस एंड होली घोस्ट। तीनटा होली ट्रिनिटी ट्रिनिटी ट्री मैंने तीनटा तेणु होली होली ट्रिनिटी कौन आम जमी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहचे द फादर आउ द सन एंड द होली घोस्ट। ओके तो गॉड जीशु ख्रीष्ट नुह फादर हेले गॉड सन है जीसुस आउ जो होली घोस्ट अच्छा से मृत्यु पर जीशुंर मृत्यु पर जो आसला होली घोस्ट तक भी पूजा करती। तांकर साक्रिट टेक्स्ट कौन बाइबल समस्त जानिचो ये कौन कंटेन करुचि ना पोर्शन ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द ज्यूस एंड द कलेक्शन ऑफ न्यू राइटिंग डिफाइंड बाय रोमन कैथोलिक चर्च हेडेड बाय ए पोप। दिस कलेक्शन वाज कॉल्ड द न्यू टेस्टामेंट एंड टुगेदर बोथ मेड द बाइबल। दे सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ क्रिस्ट ऑन क्रिसमस एंड अर्ज पीपल टू कॉन्ग्रीगेट इन द होली प्लेस टू प्रे कॉल्ड चर्च। सो वन ऑफ देयर मेन प्रैक्टिस इज बैप्टिज्म व्हेयर ए चाइल्ड or any individual enter the church service. Another practice is called Eucharist or breaking bread and wine with God, which signified unity with the being. So there are two stages of spread Christianity in India. The first was in medieval period and second was during 18th century missionary work. So under the aegis of British, some historian argue that one of the Jesus apostle, Saint Thomas, reached India in 52 AD and worked in Kerala and Tamil Nadu. This led to a lot of conversion from all the classes. It is believed that he was buried in Malayapur at the Cathedral of Saint Thomas in Chennai. The Portuguese also brought Christian missionary with them who took permission from the Emperor Akbar and subsequently Jahangir to preach their teaching. The second phase of that missionary began in 18th century when they reached Bengal and affected the religious atmosphere by converting people. The missionaries started concentrating in bringing modern education to those who converted and gave them medical assistance. So even today, institutions like Young Men's Christian Association and Young Men Christian Association for Women take a message of Christ to smaller tribal part of India where they convert local and provide them with education and medicines. There are several smaller denominations like the Syrian Christians of Kerala, Protestants groups, etc., which are active and flourishing. Tapre dekho Sikhism. Sikhism mane kon naam hai? The history of Sikhism commences with the life, times, and teaching of Guru Nanak. He was a non-conformist with a different vision. He gave an organized fight to the Hindu religion. He not only critiqued the existing life of the people of Punjab, but also gave an alternative way of socio-religious organization to his followers. He regulated the community life of his follower by bringing the congregational worship in Dharmasala and dining together to bring people together. Then Guru Nanak did not only denounce or condemn the existing social order, but he gave an alternative to it. For him, the supreme purpose of human existence was salvation, which can be attained by getting relieved from the endless cycle of birth and rebirth. This salvation was a prerogative of all humankind, irrespective of birth, creed, caste, and sex. This salvation could not be achieved by worshipping idols or the book as mediated by Pandit and Malavis. Nor could it be achieved through renunciation of one's worldly possession and one's home. It would be achieved by right belief, right worship, right conduct, which are all taught by the Guru. He developed new form of worship by like community kitchen or langur. So, आमे जो पढ़ी ले सिखिज्म विषय basically से जो कौन थे ना किए गुरु नानक किए founder of सिखिज्म तो सी कौन थे ना he was a non-conformist with a different vision.
तो सी ऑर्गेनाइज्ड फाइट टू द हिंदू रिलीजन माने हिंदू रिलीजन अगेंस्ट से फाइट करिया पे ऑर्गेनाइज करथिले से खाली क्रिटिसाइज कर नथिले माने पंजाब रो पीपल मानको बट से किछु वे भी देथिले अल्टरनेटिव वे भी देथिले तो जो थरे सही वे रे से माने जाइथिले सो ही रेगुलेटेड द कम्युनिटी लाइफ ऑफ हिज फॉलोअर बाय ब्रिंगिंग द कांग्रेगेशनल वर्शिप इन ए धर्मशाला एंड डाइनिंग टुगेदर टू ब्रिंग पीपल टुगेदर तापरे से कौन करथिले ना खाली आमर एक्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को से कंडेम कर नथिले सी आउ गोटे अल्टरनेटिव देथिले तेणु फॉर हिम द सुप्रीम पर्पज ऑफ ह्यूमन एक्जिस्टेंस वाज सालवेशन व्हिच कैन बी अटेंडेड बाय गेटिंग रिलीफ फ्रॉम द एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ दिस सालवेशन वाज प्रेरोगेटिव फॉर ऑल ह्यूमन काइंड इरेस्पेक्टिव ऑफ बर्थ क्रीड कास्ट एंड सेक्स तापरे आमे देखिले तांकर जो अछि राइट बिलीफ राइट वर्शिप राइट कंडक्ट व्हिच आर ऑल टॉट बाय द गुरु ही डेवलप न्यू फॉर्म ऑफ वर्शिप लाइक कम्युनिटी किचन बा ताकु लंगुर कहुछे आमे तापरे एथरे तमे डिटेल पढिबो गुरु नानक तापरे गुरु अर्जुन देव विषय पढिबो गुरु अर्जुन देव जदि आमे देखिबा इनिशियली मुगल सिख रिलेशन वर वेरी कॉर्डियल बट द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जुन देव ऑन जहांगीर्स ऑर्डर बिकेम ए कॉज ऑफ डिस्प्यूट सम स्कॉलर लाइक खुशवंत सिंह लुक एट दिस इंसिडेंट एज फर्स्ट मोर्टम ऑफ द सिख गुरु गोविंद सिंह सेट ए ट्रेंड ऑफ मिलिटेंसी एंड ऑर्गेनाइज एन आर्मी ऑफ हिज ओन रामदासपुर फॉर रेजिस्टेंस द गुरु ट्रांसफॉर्म द सिख कॉल्ट इन टू सिख कॉर इन हुईच अडहरेंट वुड एक्ट एज द सेंट सोल्जर और सोल्जर सेंट हु वुड अटेन हेवेन तापरे गुरु हरगोविंद ही वॉज द फास्ट वन टू ग्रीड टू सोर्ड एज द सिम्बल ऑफ द सिख हुई सिम्बलाइज द स्पिरिचुअल एंड टेम्पोराल अथॉरिटी एंड रिप्रेजेंटेड द कॉम्बिनेशन ऑफ भक्ति एंड शक्ति ही कंस्ट्रक्टेड द अतल तख्त द लोहागढ़ फोर्ट एज द सिम्बल ऑफ हिज टेम्पोराल अथॉरिटी टू कंडक्ट डेली बिजनेस एंड डिफेन्स देन द नेक्स्ट टू गुरु गुरु हर रॉय गुरु हर किसान वर इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड वर इवेंचुअली डिटेन बाय औरंगजेब Then Guru Tegh Bahadur was also one of those in line for establishing the sovereign authority of the Sikh in the dominion. He also in conflict with the Mughal Emperor Aurangzeb and was put to death in 1675 in Delhi. तापरे देखो the last physical Guru was Guru Gobind Singh. तो ये सब तुम्हें पूरा डिटेल पढ़िबो खलसा विषय पढ़िबो गुरु ग्रंथ के लिखते ले देखिबो आदि ग्रंथ जो कहे तापरे सिंह द द बापीज सिख वेयर कॉल सिंह एंड ओमेन आर कॉल कोर तापर फाइव के विषय तुम पढ़ कच्चा केस कांघा किरपन कारा तापर सेकेंड लास्ट ला जोराष्ट्रियानिज्म जोराष्ट्रियानिज्म आम देखा पर्सियारियार अर्जिन तापर प्रोफेट जोराष्ट्रो अराउंड सेवेन्थ सेंचुरी जो थर इस्लाम जब एमर्जला से टाइम सो बेसिकली दिज आर द मोनोस्टिक मोनोस्थेटिक रिलीजन हु बिलीव इन वन एटर्नल गॉड हुज नेम इज अहुरा मजदा हु इज द एपिटोम ऑफ जस्ट बिहेवियर एंड गॉडनेस सो देर इज ए स्पिरिट ऑफ एबिल एंड बैड बिहेवियर कॉल्ड अंग्रोमैन्यु दिस टू कीपिंग फाइटिंग विथ ईच अदर एंड दिस इज एन इटर्नल स्ट्रगल एंड वन डे गॉड विल विन ओवर एबिल एंड दैट विल बी द लास्ट डे So the first contact of Zoroastrian with India was probably between 8th to 10th century AD when they fled from Iran because of the Islamic invasion. They were commonly known as Parsis and Iranis and are presently amongst the smallest communities in India. The life mostly in Mumbai, Goa and Ahmedabad. So in India, Iranis are comparatively a smaller Zoroastrian community as compared to Parsis and are the recent arrival in comparison to पार्सीज तांकर जो सैक्रेट टेक्स्ट अछि जेंडा अवेस्टा बहुत बहुत ही इंपोर्टेंट मन रखिबो दिस रिटेन इन ओल्ड अवेस्टान एंड कंसिस्ट ऑफ सेवन सैक्रेट सॉन्ग तो ए जो जेंडा अवेस्टा हमर कोठी अछि ऋग्वेद रे तार नाम मेंशन अछि ओके तापरे हमर जो देखिबा फायर टेंपल देयर फायर टेंपल इट हला फायर टेंपल कॉल्ड अस ब्रह्म आर रेयर एंड ओनली 8 नॉन टेंपल एग्जिस्ट इन द एंटायर कंट्री तापरे तांकर देर आर थ्री मेजर कैलेंडर पारसी मानकर तो एटा एते इंपोर्टेंट नो बट केसा इज संजन इट इज एन अकाउंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ जोरास्ट्रियन एंड देयर सेटलमेंट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट्स फर्स्ट चैप्टर एंड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फायर टेंपल एंड संजन बा गुजरात तापर लास्ट ला जुदाइजिम बा जीवीजिम जोटा कि आम देखा पूरा डिटेल देखा ओके तो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन एंड येट टू बीन
proscured the most. The followers of the Judaism are called Jews, and several empires had targeted them. The worst case was by Hitler, who systematically killed and tortured several million of Jews in Germany. This is also the monotheistic religion that believe in one God. The religion predate Christianity and Islam. In fact, the two religions have borrowed a lot of Judaic philosophies. The Jews believe in Yah, or one true God who was instituted by Abraham. Tankar religious book ame kon kouche Torah. Tapre which is also first five book of larger text Tanakh. Te euda ete important no, but tome khali just overview karibo. तापरे देखो द लार्जेस्ट ज्यूइश कम्युनिटी इन इंडिया आर बनी इजराइल तो इजराइल रे हमर ज्यूज माने बेसी अछंती तापरे प्रोमिनेंट्स सिनागोगस इन इंडिया तो लोकेटेड अफिलिएटेड टू ए सब देखिवो एटा एते इंपोर्टेंट नो नरीमान हाउस मुंबई तापरे परदेसी सिनागोग कचिन कोचीजू तापरे अदर प्रोमिनेंट रिलीजन इन इंडिया सना महिजिम एटा बेसिकली मणिपुर को बेस करकी तापरे अयहबाजी इट इज अ पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन फॉलोड इन साउथ इंडिया बेसिकली तमिलनाडु केरला तापरे सरानजिम इट इज अ ट्राइबल कम्युनिटी आमे कहि परे मुंडा हो भूमिज ए सब को आमे कहि परबा तापरे बुहाई फेथ 19 सेंचुरी रे पर्शिया रे एटा कोन ओरिजिन हेतला आ तांकर फाउंडर किए बहुदला तापरे जदि आमे देखिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया ठीके गोटे मिनिट रेस्ट दोची तापरे तुम्हें क्वेश्चन करिया पे ट्राई करो फर्स्ट क्वेश्चन देखो विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिद्धस और तमिल रीजन वेर मोनोइस्टिक मोनोथेस्टिक एंड कंडेम आइडोलेटरी देन लिंगायत ऑफ द कनाडा रीजन क्वेश्चन द थियोरी ऑफ रीवर्थ एंड रिजेक्टेड कास्ट हायरार्की तापरे सेकेंड क्वेश्चन तो मुझे आज दुटा क्वेश्चन अच्छे देखो प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दुटा तुम करने ट्राए करो मुझे डिस्कस करूनी तापरे प्रैक्टिस क्वेश्चन आमर के टोटाल करी तुम्हें कौन कर तो आंसर तो देखु तुम पूरा डिटेल लिख सपोज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायर टेम्पल इज रिलेटेड टू कौन कौन जुडाइजिम तेणु जदि से जुडाइजिम जुडाइजिम विषय पूरा लिखो जे ह्वाट इज जुडाइजिम एमती करी जितना क्वेश्चन नहीं थी डेस्क्रिप्शन कर खाली ए बी सी डी कर ना ओके से तुम आंसर करके पोस्ट कर तुमको जो मेन मेन आंसर लिखापी दे लिखुन तथापि मुझे डिस्कस द फोर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ आज इंडिकेटेड इन उपनिषद यहाँ बहुत इजी या मुझे दौनी तापर देख राइट अबाउट लिंगर ये भी मुझे दौनी मु जस्ट क्वेश्चन तुम मानक देखिकी दौची ओके तो मु क्वेश्चन करुची फास्ट देख लेख मु डाकुची लेख तुम गिव अन ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट रिलीजियंस इन इंडिया एक्सेप्ट एक्सेप्ट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म गिव अन ब्रीफ ओवरव्यू ऑन रिलीजियंस ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अपार्ट फ्रॉम बुद्धिज्म जैनिज्म को को रिलीजन अछि ताको विषय रे तमे गोटे नोट देबो जोटे बहुत ब्रीफली मेंशन हेतिबो ओके तो याकू बेस करके तमे आंसर लिखिबो आंसर लिखिकि ग्रुप रे पोस्ट करिबो तो आज पे एतिकि पुनिया आउथरामेंट नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करिबा तो बाय बाय।
टेक केयर।